हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज कर रहा हूं पहली अनबॉक्सिंग रेडमी K30। जी हाँ, पर्पल कलर मेरे पास आ गया है। बहुत ही प्यारा फ़ोन, बहुत ही बढ़िया प्राइस में लॉन्च किया है। 4G वेरिएंट जो स्नैपड्रैगन 730G के साथ आया है वो सिर्फ 16,000 का, और जो 5G फ़ोन है वो है 20,000 का। तो भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा प्राइस। 25,000 सोचा था मैंने 5G का और 18,000 सोचा था मैंने 4G का, तो मगर प्राइस मेरे से बहुत अनएक्सपेक्टेड नीचे आया। तो भाई इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, शायद मैं रखूँगा इसका गिव अवे। तो भाई वीडियो पूरी ज़रूर देखिए, पार्टिसिपेट कीजिए, मे बी आप लकी हो। 5G फ़ोन आएगा नेक्स्ट ईयर 2020 में जनवरी में, तो भाई उसकी अनबॉक्सिंग अभी नहीं आ पाएगी, मगर 4G वेरिएंट की आ जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आगे। तो Redmi K30 भी Xiaomi ने आज रियली कमाल कर दिया। 4G फ़ोन लॉन्च हुआ है 16,000 में, और जो 5G फ़ोन है वो लॉन्च हुआ है सिर्फ 20,000 में। 5G फ़ोन आप सोच सकते हैं 20,000 में स्नैपड्रैगन 765G के साथ आता है, मगर उसकी सेल जनवरी में होगी। तो अभी सिर्फ 4G अवेलेबल है, तो मैंने 4G बुक किया है रेड कलर का, जो मुझे मिलेगा मेरे हिसाब से 12 तारीख के बाद। तो Redmi K30 व्हाइट कलर का बॉक्स है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये 6GB वेरिएंट है, 128GB, 64GB का प्राइस है 16,000, 6GB 128GB का प्राइस है 17,000, और दो वेरिएंट और है उसके मैं प्राइस आपको बाद में ऊपर लिख दूंगा। तो यहाँ हमने खोला बॉक्स, तो भाई स्टोर पे अनबॉक्सिंग हो रही है, तो इसके बॉक्स में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि डेमो पीस है। तो 4G वेरिएंट में आपको मिलेगा 27W का चार्जर, जो 30W का चार्जर है वो मिलेगा हमें 5G वेरिएंट में जो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो पर्पल कलर का फ़ोन है, बहुत ही प्यारी लुक में मुझे फ़ोन लगा। 6.67 इंच की IPS LCD स्क्रीन है, 1080x2400 का रेजोल्यूशन मिलेगा, 20x9 काफ़ी लंबा फ़ोन है। 6GB रैम और 8GB रैम में ये मिलता है फ़ोन, तो लुक्स बहुत बढ़िया है। 3D ग्लास के साथ ये आया है, मुझे रियली काफ़ी पसंद आया। जो पिक्चर्स आ रही थी उसमें थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था कैमरा, पर देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। थोड़ा कैमरा मुझे बाहर लगा, 4 कैमरे मिलेंगे जैसे आप देख सकते हैं विद फ्लैश और ये सर्कल, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है लुक वाइज। तो काफ़ी लोग कहते हैं Huawei Mate 30 Pro का इन्होंने कॉपी मारा है कैमरा स्टाइल, तो आप देख सकते हैं Mate 30 Pro कैसा लग रहा है और कौन सा बढ़िया लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वैसे थोड़ा Mate 30 Pro ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा, मगर भाई प्राइस में भाई Redmi को कोई मात नहीं दे सकता। Realme को इन्होंने हिला दिया होगा, Realme XT 730G आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अब उसका प्राइस बड़ा सोच के रखना पड़ेगा। तो टॉप पे आपको मिलेगा IR ब्लास्टर नॉइस कैंसिलेशन, यहाँ वॉल्यूम की प्लस पावर बटन, 3.5mm ऑडियो जैक, टाइप सी चार्जिंग केबल और माइक और स्पीकर। तो यहाँ सिम ट्रे है, सिम ट्रे भी बहुत बढ़िया दी Xiaomi ने इस बार। हाइब्रिड सिम ट्रे मिलेगी आपको, एक नैनो सिम, एक मेमोरी कार्ड या दो नैनो सिम आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा इस फ़ोन में भाई, 16,000 में और क्या चाहिए। तो लुक्स फ़ोन की बहुत प्यारी है, मुझे कर्व बहुत बढ़िया लग रहा है। 3 कलर्स में मिलेगा, जो 4G वेरिएंट है पर्पल, रेडिश और ब्लू वन, तो वाइट वन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 5G में मिलेगा। तो IPS डिस्प्ले मिलेगी, जो थोड़ा काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा IPS LCD डिस्प्ले, AMOLED लोग कह रहे थे, मगर भाई 16,000 में हमें क्या क्या देंगे। रिफ्रेश रेट इस फ़ोन का मिलेगा आपको 120Hz, सिर्फ ROG 2 में मिल रहा था जो 35,000 से ऊपर था, 35,000 से ऊपर था, तो ये बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू देम। तो 16,000 वर्थ है। Realme XT या मैं कहूँगा 730G को कोई फ़ायदा नहीं लेने का, इसकी वेट करनी चाहिए लोगों को इंडिया में आने की। तो फटाफट सेटअप कंप्लीट करते हैं और देखते हैं आगे। तो इस फ़ोन में मिलेगा आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, तो थोड़ा मुझे ये बेकार लगा। मैंने V30 यूज़ कर रहा हूँ ऑनर का, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तो फ्रंट में होता है बैक पैनल तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बाकी चलो आदत पड़ जाएगी तो हो जाएगा। MIUI 11 के साथ ये फ़ोन आता है। तो सेटिंग में देखते हैं इसके फीचर्स। तो MIUI 11 और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है ये। एंड्रॉयड वर्जन 10 ये सबसे बढ़िया लगा, एंड्रॉयड वर्जन 10 लेटेस्ट अपडेट के साथ ये फ़ोन आया है। 6GB रैम है, 6GB और 8GB रैम दो ही मिलेगा। ऑक्टाकोर 2.2GHz स्नैपड्रैगन 730G में इतना ही आता है। तो साथ में आपको मैं दिखाता हूँ रिफ्रेश रेट, जी हाँ 60Hz और 120Hz का रिफ्रेश रेट, जो बहुत बढ़िया गेमिंग के लिए तो मैं कहूँगा ऑसम लगा मुझे, ये बढ़िया है। डार्क मोड भी मिलेगा आपको इसमें, जैसे आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी पसंद आता है, शाम को मैं मोस्टली डार्क मोड यूज़ करता हूँ फ़ोन में, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई कंप्लीट पैकेज लगा मुझे फ़ोन का, कुछ चीज़ बेकार नहीं है। 27W का चार्जर मिला, रिफ्रेश रेट 120Hz का मिल रहा है, और क्या चाहिए। कैमरा तो अभी कैमरे की भी बात करते हैं, तो हम देखते हैं इसका एंटूडो स्कोर। Xiaomi ने कंप्लेन किया था आने से पहले कि 3 लाख के पास का एंटूडो स्कोर आएगा, तो पहले हम देख लेते हैं फीचर्स, फिर हम बात करेंगे एंटूडो की। एंड्रॉयड 10 स्नैपड्रैगन 730, एंड्रीनो 618, 1080x2400 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, और हमें मिलेगा CPU कोर 8, डेंसिटी
440 dpi, पिक्सल डेंसिटी 395 ppi, फ्रंट कैमरा, कैमरा गलत दिखा रहे हैं यहाँ पर, बैटरी 4500 mAh की, और ये फ़ोन NFC भी सपोर्ट करता है। तो शुरू करते हैं टेस्ट और देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड आता है। तो भी IPS LCD स्क्रीन है मगर काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में, तो आप ये मत सोचिए कि भाई बेकार चीज़ कर दी, बाकी चीज़ें देखिए बहुत बढ़िया है। अगर इंडिया में आता है तो मेरे हिसाब से 18,000 तक आएगा, 2000 तो रेट बढ़ा देते हैं इंडिया में, तो 18,000 में भी बहुत बढ़िया पैकेज मिलेगा आपको। 27 वोल्ट का चार्जर, कैमरा 64 मेगापिक्सल का, वो भी सोनी का, और क्या चाहिए। तो फुल ब्राइटनेस है, देख सकते हैं कलर काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। बाकी मेरे पास ये फ़ोन आ जाएगा, मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा। मेरे पास ऑनर V30 भी है, उसके साथ मैं सोच रहा हूँ इसका कैमरा कंपैरिजन और बाकी कंपैरिजन करके देखें। प्रोसेसर का फ़र्क है, वो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है मगर तब भी हम देख सकते हैं। तो देखते हैं इसका स्कोर, तो स्कोर आया है 260,000, तो 40,000 कम आया है जैसे Xiaomi ने क्लेम किया था, मगर ठीक है भाई, मिड रेंज फ़ोन है तो नॉट बैड स्कोर 260,000। अब थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि डेमो पीस है स्टोर का, तो करके स्कोर कम भी हो सकता है। तो एक दिखाता हूँ पबजी का गेम प्ले छोटा सा, मैं सोच रहा हूँ पबजी का गेम प्ले की अलग से वीडियो डालूँ, आपको सेटिंग दिखा देता हूँ क्या है। तो अबाउट गिव अवे, तो गिव अवे रख रहा हूँ इस फ़ोन का मैं, जो रेड कलर मेरे पास आएगा उसका होगा। तो गिव अवे होगा जब मेरे हो जाएंगे 200,000 सब्सक्राइबर, वैसे 30,000 सब्सक्राइबर बहुत लंबा है, मगर अगर वो नहीं हुए तो मैं जब जनवरी में आऊँगा, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, तब मैं इसका रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा। और आपको मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप फॉलो कर लेना, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो स्नैपड्रैगन 730 आता है, तो आपको इसमें HDR मोड नहीं मिलेगा और ना ही स्मूथ और एक्सट्रीम, तो ये आप ज़्यादा डिसअपॉइंट मत होना, मोस्टली स्नैपड्रैगन 730G में नहीं मिलता, स्मूथ और अल्ट्रा मिलता है और HD ही मिलता है, तो ये चीज़ याद रखना। मे बी 5G वेरियंट जो आएगा स्नैपड्रैगन 765, उसमें देखते हैं कब आता है या नहीं आता। तो अब बात करते हैं इसके कैमरे की, जो मेन हाईलाइट है सोनी का 64 मेगापिक्सल IMX686 का कैमरा यूज़ किया गया है, जो मेन कैमरा है। 8 मेगापिक्सल मिलेगा आपको सुपर वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मिलेगा सुपर मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का मिलेगा डेप्थ सेंसर, तो आपको मिलेगा नहीं इसमें टेलीफोटो। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। एक कंप्लीट कैमरा रिव्यू लूँगा इस फ़ोन का और देखेंगे कितना बढ़िया है इसका कैमरा। तो मेन चीज़ है 64 का सोनी का कैमरा, मैंने फोटो क्लिक ली थी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्लैरिटी है इस फ़ोन की और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। सैमसंग के 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे ज़्यादा कौन सा बढ़िया है, वैसे क्लैरिटी रियली बहुत अच्छी आई इस फ़ोन में। और वीडियो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p 30fps 60fps 4K 30fps पे और 720p की भी ऑप्शन मिलती है हमें यहाँ पर। तो साथ में हम इसमें 2x का जूम कर सकते हैं और अल्ट्रा वाइड एंगल में भी बना सकते हैं। स्लो मोशन में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 960fps 120fps और 240fps। और फ्रंट की बात की जाए तो एक क्लिक यहाँ पर भी लेके देखते हैं कि कैसी है। पहले कैमरा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p पे और 720p पे। तो एक पिक्चर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कितना बढ़िया कैमरा है। तो भी फ्रंट कैमरे की पिक्चर भी बढ़िया आई है, कंपैरिजन करूँगा रियलमी X2 जो रियलमी XT 730G बन के आएगा, तो पिक्चर्स देख सकते हैं। मैंने जो क्लिक की थी वहाँ पर स्टोर पे, मुझे बढ़िया लगा कैमरा इसका। बाकी कैमरा रिव्यू में हम क्लियरली चेक करेंगे। ऑनर V30 के साथ सोचा है इसका कंपैरिजन करने का, बाकी फ़ोन्स के साथ भी कंपैरिजन करूँगा। मिड रेंज फ़ोन है तो बहुत ऑप्शन मिल जाएगी हमें, तो मुझे भाई कैमरा इसका पसंद आया रियली। सोनी 64 मेगापिक्सल IMX686 काफ़ी बढ़िया पिक्चर लेता है, बाकी मैंने काफ़ी पिक्चर्स ली थी, मैं आपको कैमरा रिव्यू में सारी दिखाऊंगा। बाकी अगर आप किसी और फ़ोन के साथ कंपैरिजन चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे कर दूंगा। तो हम अगर जूम करना चाहेंगे तो आप 10x का जूम कर सकते हैं इस फ़ोन में, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। बाकी पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, मेमोजी इसमें भी फीचर है जो CC9 में आता था चाइनीज़ वेरियंट में, तो इसमें भी मिलेगा हमें, और हमें प्रो वेरियंट मोड मिलेगा इस फ़ोन में। तो लास्ट में हम ट्राई करते हैं इसका फिंगरप्रिंट लॉक जो है साइड माउंटेड, देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस होती है। तो काफ़ी क्विक है, मगर अगर आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस पर हैप्चुअल होने के लिए, क्योंकि लोगों को इन डिस्प्ले या बैक पैनल की आदत होती है तो ये टाइम लगता है। तो फेस अनलॉक भी ट्राई कर लेते हैं, कल मुझे किसी ने कहा था वही इसका भी टेस्ट करके दिखाना, देखते हैं फेस अनलॉक कितना तेज़ है और कितना क्विक है। तो भाई अपना फेस लगा लिया है मैंने, तो लेट्स ट्राई। वाओ, तो काफ़ी ज़्यादा क्विक है। बाकी मेरे पास मेरा फ़ोन 12 तारीख मतलब परसों आ जाएगा, मैंने जो रेड कलर का ऑर्डर किया है 6GB 128GB के साथ, 17,000 मुझे कॉस्ट हुआ है, तो उसके में हम आराम से इजीली टेस्ट कर सकेंगे।
ये है डेमो पीस, तो भी मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता इसमें, जितना मैंने किया मैंने आपको सब दिखा दिया। अगर आप कुछ टेस्ट या कुछ और जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।